स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 22 लाख की दवा के नाम पर कांग्रेस सरकार ने सिर्फ पानी खरीदा, मच्छर मारने वाली दवा में सिर्फ पानी मिला है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बाबत कार्रवाई के निर्देश दे दिए। वहीं इस संबंध में अनिल विज ने मीडिया के सामने दस्तावेज भी रखे। देखिए, कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है कि नथुराम गोडसे का आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं, और ऐसा कह के तो ये तो कोर्ट का भी अपमान कर, कोर्ट का भी अपमान कर। वैसे इनकी शक्ल नथुराम गोडसे से मिलती है, इनका कोई संबंध हो तो मैं कह देता। उधर हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। सदन में खेल मंत्री अनिल विज के बयान पर हंगामा बरपा। वहीं स्वास्थ्य और खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि खेल स्टेडियम का नाम राजीव गांधी के नाम से हटाया जाए। विज ने नेहरू और गांधी परिवार पर भी टिप्पणी की थी। बयान के बाद कांग्रेस नेता भड़क उठे और सदन से वॉकआउट कर दिया। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेताओं ने राजभवन की तरफ रुख किया। इससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की टिप्पणी पर सदन से वॉकआउट किया था। बीजेपी नेताओं ने खेल परिसरों को नाम बदलने और नया नाम रखने पर हंगामा किया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने राजभवन तक पैदल मार्च करने का फैसला किया। पूर्व सीएम हुड्डा ने इस पर कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का सदन में अपमान हुआ है, हम इस अपमान को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। अनिल विज ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पैदा करने वाला एक अंग्रेज था और ये लोग झूठ बोलते हैं कि आजादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी। अब जंगे आजादी तो बहुत लोगों ने लड़ी थी। अब कांग्रेस हमेशा ये दावा करती है और लोगों को पढ़ाती है किताबों में कि आजादी की लड़ाई सिर्फ हमने लड़ी है, लेकिन कांग्रेस का जन्म तो 1885 में हुआ था और वो एओ ह्यूम एक अंग्रेज था जिसने इस पार्टी को पैदा किया, और उससे बहुत पहले 1857 में भी हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी गई। उसमें भी बहुत लोग लड़े, उसमें लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन ये उसको कभी भी स्वीकृति प्रदान नहीं करना चाहते। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी को कोई भुला नहीं सकता, राजगुरु सुखदेव को कोई भुला नहीं सकता। वही विज ने बापू के हत्यारे नाथुराम गोडसे पर बयान देते हुए कहा कि गोडसे का आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं था। देखिए, कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है कि नथुराम गोडसे का आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं, और ऐसा कह के तो ये तो कोर्ट का भी अपमान कर, कोर्ट का भी अपमान कर। वैसे इनकी शक्ल नथुराम गोडसे से मिलती है, इनका कोई संबंध हो तो मैं कह दे सकता। पलवल से कांग्रेस के विधायक कर्ण सिंह दलाल का विवादित बयान सामने आया है। दलाल ने नाथुराम गोडसे को आरएसएस का अनुयायी बताया। इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं की कड़ी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। बजट पर चर्चा के दौरान कुलदीप बिश्नोई के दिल का दर्द जुमा पे आ गया। एक शेर के जरिए कुलदीप बिश्नोई ने ये भी एहसास करा दिया कि वो भले ही विपक्ष की बेंच पर बैठे, फिर भी दिल में बीजेपी के लिए अपनापन है। उन्होंने शेर में कहा कि मेरी पीठ पर जो जख्म है वो अपनों की ही निशानी है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अपने दुश्मनों के इंतजार में आज भी बैठे हैं। वहीं कुलदीप बिश्नोई के बयान के बाद कई राजनीतिक दलों ने इस बयान का विरोध भी किया। हरियाणा के हिस्से का पानी मिलना चाहिए, ये ठीक है कि हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र जो उसके हिस्से में आने चाहिए थे, उस पर हरियाणा का हक बनता है। चंडीगढ़ भी उसी क्षेत्र का, उसी तहसील का हिस्सा है। उसी विवाद के कारण से यह निर्णय हुआ था साझा रखने का, और चंडीगढ़ हमारा है, हरियाणा का है, और निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से इस प्रकार की बातचीत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। नहीं, इस बात का पता लग सके कि कैसे इन लुटेरों ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया। जहाँ तक सवाल कुलदीप बिश्नोई जी का है, उन्होंने जो बात कही है उनसे पूछने वाला हो कि
क्या चंडीगढ़, वो कहते हैं कि चंडीगढ़ को छोड़ दिया जाए, उनसे पूछने वाला हो कि चंडीगढ़ को कितनी लंबी लड़ाई लड़ करके हमने बचाने का काम किया था, आप लोगों ने तो भले टाइम में इसको देने का काम कर लिया था। चंडीगढ़ पर हमारा पूरा हक है, किसी भी कीमत पर चंडीगढ़ जो है पंजाब को नहीं दिया जाएगा। चंडीगढ़ हमारी हरियाणा की भी राजधानी है। जो सदन में आज जिस तरीके हरगिज नहीं, चंडीगढ़ हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा, और पानी भी हमारा है और हमारा, हम उसको लेकर रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई जी ने किस संदर्भ में बात की है, आप लोगों को भी वो बात समझनी चाहिए, जनता को बात समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब ने बिना वजह का मुद्दा बना रखा है चंडीगढ़ हिंदी भाषी क्षेत्र ये वो, तो परंतु हरियाणा के खेतों को SYL के पानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें सभी को सदन को एक मत होकर SYL के मुद्दे पर सहमति जताकर हरियाणा की हितासी धरती को पानी की जरूरत है। अब उन्होंने चंडीगढ़ के विषय में क्या कहा, परंतु मैं सरकारी मंत्री बनाते आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं चंडीगढ़ भी लेंगे और SYL का पानी भी लेंगे। देखिए उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, चंडीगढ़ भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हिंदी भाषी क्षेत्र भी चाहिए, सब चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। लैंड बिल और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर देश भर के किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल किसानों को समर्थन देने के लिए आप नेता योगेंद्र यादव जंतर मंतर पहुँचे थे। पहले से ही भेदभाव के आरोपों को झेल रही पूर्व हुड्डा और चौटाला सरकार के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। भूमि रिलीज करने के मामले में खट्टर सरकार पूर्व की सरकार के समय अधिग्रहित हुई जमीन की जांच जल्द ही शुरू करने वाली है। जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर प्रदेश की खट्टर सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। खट्टर सरकार ने पूर्व हुड्डा सरकार से लेकर चौटाला सरकार तक के समय में हुई जमीन अधिग्रहण मामले की जांच करने का फैसला लिया है, जिसमें गुड़गांव के मानेसर में स्थापित होने वाली देवीलाल औद्योगिक आदर्श नगर के लिए चौटाला सरकार के समय अधिग्रहित की गई 912 एकड़ भूमि के मामले की जांच होगी। आपको बता दें कि चौटाला सरकार के समय अधिग्रहित हुई जमीन को बाद में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने रद्द कर दिया था। राजीव चैरिटेबल ट्रस्ट को दी गई भूमि की भी जांच होगी। पूर्व हुड्डा सरकार द्वारा राजीव गांधी धर्मार्थ न्यास को पट्टे पर दी गई थी पंचायती भूमि। वही विधायक द्वारा भूमि रिलीज करने का मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान उठाए जाने के बाद सरकार ने भी माना था कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जमीन रिलीज करने में नियमों की अनदेखी की गई है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार पहले ही पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। प्रदेश भर में जहां भी भूमि अधिग्रहण के इस तरह के मामले हैं, सभी की जांच करवाई जाएगी। सरकार एक एक इंच भूमि की जांच करवाएगी। पूर्व हुड्डा सरकार पहले से ही भेदभाव और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने जैसे आरोपों से घिरी हुई है, तो वहीं पूर्व की चौटाला सरकार पर भी घोटाले की छींटे पड़ी हुई है। ऐसे में खट्टर सरकार की जांच उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबरों की